हाँ, कुछ सब्सक्राइबर लोगों का कहना ये है कि तुम लड़की देखने गए थे तो खुश क्यों नहीं थे? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग। और मैं हूँ आपका भाई आज के सोनी। तो दोस्तों, फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अभी अपना ठेला वगैरह धोने के लिए। और भाई वही टाइमिंग लगभग 1 के आसपास हो रहा है। मैं ना लगभग 11 बजे से सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा ठेला धोने के लिए, लेकिन जा ही नहीं पा रहा था। अभी निकलता हूँ। मौसम ना मस्त बादल किया है, ठंडा ठंडा था, रोमांटिक मौसम है भाई। ये देखो मस्त एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और अपने अंबिकापुर में भी भाई मस्त उधर पानी वगैरह गिर रहा है। हम लोग सोचे थे, मैं और दोस्त आकाश, कि अंबिकापुर जाएंगे घूमने के लिए। तो मेरा दोस्त बोलता है कि भाई इधर तो पानी आ रहा है। मैं बोला अगर पानी आ रहा है उधर जाएंगे तो अपन फंस जाएंगे, इसलिए अपन अंबिकापुर जा नहीं रहे। और मैं निकल हूँ अभी ठेला वगैरह धोने के लिए अपना। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। और इधर वार्तालाप चल रहा है माता और भाई जी का। क्या चीज का वार्तालाप चल रहा है माँ? शादी के। हाँ, कुछ सब्सक्राइबर लोगों का कहना ये है कि तुम लड़की देखने गए थे तो खुश क्यों नहीं थे? क्या है, जब कहीं जाएंगे देखने के लिए तो ज्यादा उत्सुकता और उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को स्थिर और शांत बना करके रखना चाहिए पहला चीज। जुजो भाई मेरे को बधाई दी है, कंग्रेचुलेशन बोले हम लोग को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहना। सिंपल शादी होगा मंदिर से, किसी को कोई परेशान नहीं करना है, अच्छे से रहना है, शादी करना सिंपल तरीके से। हमारा तो क्या कहना चाहती है? तो गाइस चलिए चलिए निकलते हैं अब हम लोग फटाफट से ठेला वगैरह जाके धो लेते हैं। भाई काफी टाइम हो गया है, मैं लगभग 10-11 बजे से सोच रहा हूँ भाई जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। मैं चौपाटी में पहुंचा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना ठेला वगैरह धोने के लिए, निकला हूँ घर से। लेकिन एक दुकान पहले से लगा, मेरे को क्या लगा ना भाई कि 12-1 बज रहा है, आज पता चला कि 1:30 बज रहा है। चेक का दुकान लग गया है और उधर फुल्की चाट का दुकान लग गया है, और उधर दोस्त बैठा हुआ है दुकान पे। वो बोला था कि अंबिकापुर जाएंगे, लेकिन सपने तो सपने ही हो रह गए यार, जा ही नहीं पाया अपन पानी के चक्कर में। निरमा वगैरह ले लिया है तो दुकान ठेले के पास मैंने सब चीज़ रख दिया है। अभी जा रहा हूँ डब्बा में पानी लेने के लिए, भाई का दुकान है आप पास, तो हम बोर चालू कर देगा वहाँ से पानी ले लूँगा मैं, उसके बाद अपना ठेला वगैरह दे लूँगा। काफ़ी गंदा हो गया ठेला मेरे वजह से। लो भाई बोर चालू है, यहाँ पानी भर लेते हैं। हे गाइस, यहाँ इतना ज़्यादा पानी आ रहा है ना कि लगभग साल भर लग जाएगा एक डब्बा भर के, फिर इसको भर के, फिर इसको भर के, फिर इसको भर के, तब मेरे भरने में। भाई फिरोज थोड़ा बढ़ा दे यार, गरीब आदमी खड़ा है इधर। तो भाई ठेला काफ़ी गंदा है और मैं ना ये डब्बा भी गंदा है, इसको मैं अभी धो लेता हूँ। और मग्घा लाना भूल गया ठेला धोने के लिए, तो एक बोतल का धुल जाएगा इसको ना, मैं ब्लेड से ऐसे काट दूंगा यहाँ से, फिर इसमें से पानी निकालते काफ़ी बेस्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले काम करता हूँ, मैं निरमा डाल के फुला लेता हूँ हल्का फुल्का, लेकिन पहले इसको काट लेता हूँ ब्लेड से। और बगल में है चाचा, लो ब्लेड यहाँ से मिल ही जाना है मेरे को। चाचा की ब्लेड पकड़ाई तो ठीक, एक ठो हो जाएगा बस। ये यूज किया हुआ है, कुछ खास नहीं रहेगा, बस इसको ऐसे काटना है। और जल्दी से काट लेता हूँ क्योंकि मौसम ना यहाँ भी कर रहा है पानी का। अभी बोतल को मैंने धो लिया है भाई, ये जो बोतल गंदा था इसको मैंने अभी धो लिया है। ठीक है, बगल में जो चाचा है ना उनके पास ही मैंने बोतल को लिया है, जो जस्ट बगल में बाल काटने वाले चाचा है उनके पास ही 3 बोतल था, तो उसमें से एक बोतल मैंने लिया, इसको कटिंग कर लिया। देखो भाई ठेला धोने में काफी टाइम लगेगा, जब तक ना मैं अपना मोबाइल जो टाइपॉड है उसके ऊपर में रख देता हूँ, थोड़ा मेरा मोबाइल भी आराम करता रहेगा। और मौसम जो है ना भाई काफी तगड़ा है।
मैं कम्प्लीटली मेरा ठेला जो है ना भाई पूरा का पूरा धुल चुका है। ये देखिए आप लोग पूरा क्लियर हो चुका है और चले निकलते हम लोग घर की तरफ। और भाई जिसका डर था वही हुआ, पानी में सोचा कि गिरे मत, लेकिन पानी ही ना गिरना चालू हो गया है, हल्का फुल्का गिरना चालू हो गया। चले निकलते हैं, ये पानी नहीं है, ये पसीना है जो एक घंटा से ठेला रहा था उसका। ठेला धोने के बाद मैं घर नहीं गया हूँ, दोस्त की दुकान पर आके बैठा हुआ हूँ, सोच रहे हैं कि कहाँ जाए क्या करें, पानी भी गिरना बाहर में चालू हो गया है। क्या ब्रो, तो स्विमिंग पूल जाने का बात किया था, क्या हुआ उन सपनों का, क्या हुआ जो सपने तूने दिखाए थे? सपनों का क्या भाई, ऊपर वाला इतना पानी यहीं में बरसा रहा है, लग रहा है यहीं पे नहा लेते हैं बाहर में। तो मैं एक काम करता हूँ, सर्फ एक्सेल लेके आते हैं और यहीं पे नहाते हैं, साबुन लगा के नहाते हैं। एक दो तीन और एक अंदर में ही चार, चार चार गाड़ी है। और फिलहाल मैं घर आ गया हूँ, लगभग तीन के आसपास हो रहा है। रीज़न जैसे मैं ठेला धो गया आकाश के कारण बैठा सो कंटिन्यू ना बैक टू बैक पानी गिरना चालू हो गया, पानी जस्ट रुका। अभी आया हूँ मैं घर पे, घर पे पता नहीं क्या डिसाइड कर रहा है, बातचीत जानते हो ना भाई, जो भी मैटर हो आई डोंट नो। चलिए चलते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, नहा धोवा लेते हैं आप। अरे हाँ, मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है, ऐसे सपने ना देखो जो पूरा ना हो पाए। यार अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले है ना नहा धो लेते हैं, उसके बाद खाना पीना खा लेंगे भाई। भाई जो पानी चालू हुआ है तो चालू हुआ है तो चालू ही है ना, मैं चौपाटी जा पा रहा हूँ ना, मैं ब्लॉग बना पा रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, मम्मी को छोड़ने भी जाना था, पूजा में जाना था, लेकिन पानी चालू है तो ऐसा आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इधर देखिए आप लोग को पता चल जाएगा इधर पूरा पानी गिरा है, अभी थोड़ा नहीं ज़्यादा ही गिरा भाई पानी। मम्मी इधर तैयार हो गई है पूजा पाठ में जाने के लिए, बगल में चाची उची लोग सब तैयार हो गए, लेकिन पानी रुके तभी तो पूजा आएगा ना भाई। ये भी एक लोचा है, बाजार जाना था मेरे को सामान उमान लाने के लिए, कल की दुकान के लिए, लेकिन पानी पानी नहीं आ रहा था तो लोग पानी पानी बोल रहे थे कि आ जाए आ जाए, अब पानी आ गया तो लोग बोल रहे कि पानी आ रहा है पानी आ रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ भाई, क्या बोलूँगा। तो गाइस फिलहाल मैं भी आया हूँ चौपाटी में, मैं पानी में भीगते तो मम्मी को छोड़ने का इधर गोविंद भैया लोग मस्त अभी बरसात के मौसम में चल रहे हैं इनका। तो छोटे तेरा लिट्टी चोखा कैसा चल रहा है? नहीं चल रहा, तू तेरा चोखा निकल रहा है, किसी का धोखा वोखा तो नहीं कर रहा है तू? भीड़ भाड़ भी थोड़ा मोड़ा लगा है, लेकिन जब पानी गिरना चालू होगा तो फिर भीड़ आधा हो जाएगा। भाई भूख लग रहा है मेरे को, तो मैं ना एक पाव भाजी या फिर मंचूरियन दोनों में से कोई चीज़ भी खा लेता हूँ, देखता हूँ जो भी खाना है। और इधर भाई साहब अपना वीडियो बनाते हुए, हाँ भैया फेमस, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, नया लड़का कितने में रखा काम पे? 10-20 50 सूद प्लस श्री विमल का पैसा दे रहा है इसको, बस उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए ना इसको। मिर्चा डाल दूँ हल्का? हाँ भाई खा ली हूँ, हाँ निकाल मोबाइल, भाई को एडिट सीखना है मेरे से, तो पूछ रहा है लेकिन कभी किसी और से मत पूछना ऐसे लोगों से, ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ बताते भी नहीं लेकिन बदनाम कर देते हैं। स्मार्ट लग रहा हूँ भाई, मंचूरियन बहुत ज़्यादा खाने का मन था बहुत दिन से, उसके बाद फिर अभी गया मित्रा जी के पास, वहाँ से मंचूरियन ले लिया मैंने, और पापड़ी चाट खाने का मन था भाई, पीछे में लगा था पापड़ी चाट, उनसे पापड़ी चाट लिया, काफ़ी मज़ा आया भाई खाने में। और मोबाइल में चार्ज पर लगा गया था तो ब्लॉग भी शूट कर लिया, कोई नहीं जो भी हो थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा उसके बाद निकलूँगा आराम से घर। और मौसम इतना बुरा है ना भाई कि दो तीन दिन हो गया कंटिन्यू पानी गिर रहा है, कल देखते हैं कल का कभी वाला मौका, कल दुकान खुलेगा नहीं खुलेगा। वैसे तैयारी तो मेरा पूरा हो चुका है, तो फिलहाल दुकान से टोटली सामान लिया हूँ, सिर्फ बाजार करना है और ब्रेड ले जाना है बस। तो गाइस फिलहाल मैं खाना बना है और ये मेरे लिए बना है भाई रोटी, मोटा वाला रोटी बनवाया हूँ मैंने और आलू का भुजिया, चलिए खाते हैं फटाफट।